तो ऑल राइट गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं हेलो नेबर 2। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले वाले एपिसोड में हम एक बड़े से रेड मैंशन पे पहुंचे थे जहां पे एक लॉक लगा हुआ था। वहां के जो अंकल थे, ये वही अंकल हैं जो कि उन सभी बच्चों को पकड़ करके किडनैप करते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो बच्चे हैं वो इस रेड मैंशन में शायद आ गए हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, खेलने के बाद ही पता चलेगा। तो वहाँ जो लॉक था उसे खोलने के लिए हमें बगल वाले एक अजीब सा एक घर है जहाँ पे एक सेफ था जो कि काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो उसे बच करके वहाँ पजल्स को सॉल्व करके हमें एक चाबी मिलती है जिसे हम लेकर के ये मैंशन के गेट को खोल पाते हैं, ठीक है। जब हम इस गेट को खोलते हैं तो यहाँ पे ये अंकल होते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमें इस पार्ट में ये देखना है कि क्या हम उन अंकल को पकड़ पाते हैं या उन बच्चों को फ्री कर पाते हैं नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑल राइट गाइज, हमारा गेम प्ले हो गया अभी फिलहाल स्टार्ट, और लास्ट टाइम हम लोगों ने यहीं पे छोड़ा था इस गेम को। और देख लो आसपास का जो हाल है, बिल्कुल ऐसा ही था। आई थिंक मेरे पास वो चाबी अभी भी होगा। नहीं नहीं, गेट तो मैंने खोल दिया था लास्ट टाइम, तो चाबी नहीं होगी, होनी चाहिए मेरे पास। और वो अंकल घर में कहीं पर घूम रहे हैं, इतना तो मुझे पता है यार, ठीक है ना, इतना मुझे पता है। वेल ओ देख लिया, देख लिया उन्होंने, देख लिया मुझे। बाहर आएंगे क्या? नहीं, ये बाहर नहीं आने वाले। अर ये अंकल हमें पकड़ के मार तो नहीं देगा ना? एक घर तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया था और दो ऐसे घर मुझे यहाँ पे प्लेस करने होंगे, और वो मुझे नहीं पता है वो कहाँ पे है, तो हमें अंदर ही कहीं पे ढूंढना होगा। और ये सब गेट के लिए भी तो लॉक ही लगेगा, मतलब लॉक्स के लिए भी तो हमें चाबी ही चाहिए होगी। हमें अंदर जाना ही पड़ेगा, छुप करके जाना पड़ेगा। लेकिन ओ, ये अंकल तो यहीं पे है, उन्होंने देख लिया, उन्होंने देख लिया, देख लिया, देख लिया। अरे अंकल अब जाओ ना, आपको क्या दिक्कत हो रही है, हम आपको कुछ कर रहे हैं क्या? जाओ ना, ऐसे फेंक के मारो ना ये हाथ में जो भी है मेरे। चलेगा क्या अंकल, चलेगा क्या? अरे गाइस ये वहीं पे है, चले जाना ऊपर, कहीं चले जाना ऊपर, चले जाते। आई थिंक ये ऊपर जा रहा है गाइस। अबे नहीं यार, ये वहाँ जाके बैठ गया, गेट खोल के चले गए। चुपचाप चलते अंदर की तरफ गाइस, कुछ बस गिरे ना। अबे ये क्या रखा है लोग, इसने ओ ये भाई 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 भाई, ये उठ गया उठ गया उठ गया भाई, ये देख ना ले मुझे, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊँगा। एक मिनट, इधर को क्या है, शीशे वगैरह, आई थिंक मैं इसे फोड़ पाऊँगा। अबे यार ये तो इधर को ही आ रहा है। एक मिनट, उसके अंदर कुछ तो है। ओ मुझे एक और घर मिल गया गाइस, वो देखो देखो सामने की तरफ है जी, ये जो अंकल है। और यार ये देख ना ले यार, एक मिनट, सबसे पहले इसको फोड़ो। अब इसने देखा नहीं मुझे, भाग लो भाग लो, बच गए गाइस। इसे पहले प्लेस करते हैं यहाँ पे, और एक और घर हमें यहाँ पे लगाना होगा ला करके, जो कि कहीं अंदर में ही होगा। ये अंकल कहाँ पे है? ये अंकल इधर को है। अबे यार हमें अपनी रेंच को लानी होगी जो भी थी वो, इधर कहीं पे। अरे यार ये आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है क्या? अरे भाई बच गया मैं, भाई साहब मैं बच गया, अभी मैं पकड़ा जाता यार। यार ये अंकल तो टफ है यार, ये तो अंदर जाता ही नहीं है यार, और कोई एंट्रेंस भी तो नहीं आना इसके घर के अंदर जाने की, कोई और एंट्रेंस भी ना यार इसके घर के अंदर जाने की। यार हमें जो भी करना होगा ना, हमें बाहर से ही करना होगा, अंदर में तो और कोई रास्ता है ही नहीं साइड से कि मैं छुप के एंटर कर सकूँ। फिर से मुझे देखा, नहीं नहीं यार, पकड़ लिया इस बार। हमें फिर से अंदर जाना होगा यार। ये अंकल जो ना, दिक्कत ये है ना कि ये मेन गेट पे ही रहते हैं हमेशा। अब ये कहाँ है? उस तरफ को चेक कर रहे हैं,
गेट खोलते हैं क्या? ये मैं देख पा रहे हैं क्या? आई डोंट थिंक ये मैं देख रहे हैं। अरे अंकल छोड़ दो ना, मैं जाओ वहाँ बैठो आराम से। हाँ बैठो। इन्हें कुछ नोटिस होते रहता है गाइस 2 या 3 मिनट पे। इसमें क्या है? अबे वो भैंस की। अबे तो कुछ नहीं है यहाँ से। पहले इसे उठाओ और इधर को आओ। आई थिंक मैं बच गया हूँ। किसी ने मुझे नहीं देखा आई थिंक। अरे यार फिर से देख लिया इसने। इधर का गेट खुलता होगा मे भी। हाँ खुल गया। इधर आ, इधर आ यार। ओ सामने है, सामने है, सामने। हम लोग इधर चलते, देखते इधर क्या करना है। मे भी इधर का कुछ हो। ओ इसे खोलना है पहले तो। अब भाई साहब इधर आएगा क्या? बच गया है। वैसे ये कौन सा एरिया है? ये तो गराज है यार इस घर का। ओ अंकल सामने, अंकल सामने। यार छोड़ दो यार हमें, क्या दिक्कत है आपको? चलो जी ये तो फिलहाल यहाँ से चला गया है। और यहाँ क्या है मुझे यहाँ देखना होगा पहले, उसके बाद ही हम कुछ आगे कर सकते हैं। कि मैं नहीं चाहता इस अंकल से बार बार पिटना। एक मिनट, अबे यार ऐसे नहीं करना है। एक मिनट, इसको ऐसे। अबे अबे इस गाड़ी पे चढ़ जा और ऐसे करके फेंक। यार ये क्या बात हुई यार, फेंक रहा है कहीं और, मैं कहीं और फेंक रहा हूँ यार। इधर कुछ है क्या? ना भाई इसको खोलो। खुलेगा नहीं। हमें इसे खोलने के लिए एक, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। बट वो यहीं होना चाहिए ना, वो रेंच तो यहीं होना चाहिए ना खोलने के लिए। गाइस गराज की चीज़ें गराज में ही होनी चाहिए ना। यहाँ मेरे पास क्या क्या अवेलेबल को ये होना चाहिए। अबे मैंने फेंक क्यों दिया? इस तरफ खोलने के लिए मुझे एक रेंच चाहिए होगा, जो कि मुझे यहाँ तो नहीं दिख रहा है। ये रास्ता किधर को जा रहा है भाई? वो अंकल इधर ही है। गाइस 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 वो अंकल देख लिया। भागो भागो भागो, आ जाओ आ जाओ। बाहर आओ बाहर आओ। मेरे पास गाइस चाकू तो आ गई है, मुझे इस चाकू से कुछ तो काटना होगा जो कि मुझे अंदर ही मिलेगा फिलहाल के लिए। अब यार मेरे पास दो चाकू थी यार पहले से, एक और चाकू थी। इस बार ये अंकल देखेगा ना इसके मुंह पे, भाई ये स्टिंग यूजर मार के भागूंगा। मत देखो भाई। हम नहीं इस घर में। राइट हम लास्ट टाइम यहाँ पे तो आ गए थे। पर छत पे जाने का ना एक ही रास्ता, इन्होंने मुझे देख लिया शायद। थोड़ी अरे छत पे भागो यार। पहले खोजे यार कुछ तो मिल जाए यार बाहर को लगाने को। एक घर बस मिल जाए मुझे पहले से। अबे यार दिक्कत हो गई हमें ना, नीचे जा कर के वो उखाड़ने वाला लेके आना होगा। यहाँ पर भी एक लॉक लगेगा। इधर को क्या है पहले इधर देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक लॉक है यार, चारों तरफ लॉक ही लॉक है। किधर किधर को रखा जाता है कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर भी
यार सब तरफ लॉक ही लॉक है यार, पजल्स बहुत है इस घर में। मुझे ना गाइस अभी फिलहाल चुपके से नीचे जा करके उन अंकल से छुप करके वो जो भी उखाड़ने वाला है ना उसे लाना होगा। फिलहाल के अंकल तो यहीं पे है, इतने दूर के लिए मेरे पास मंडराया जा रहा है ये, आई थिंक ये मुझे देख रहा है। आई थिंक अब बच पाएंगे। एक मिनट फटाफट से पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये बस वहाँ से उठे ना। अबे यार ये उठ गया फिर से यार, ना देखो ना देखो ना देखो ना देखो। और ये पक्का आवाज करेगा, उससे पहले इसको से उठाओ और ऐसे ही इधर निकाल लो। और लड़का इस लोग इधर तो हम लोगों ने निकाल लिया है, अब हमें जो खारना था उसे पहले खारते हैं। अबे इसने आवाज़ सुन लिया, वो अंकल मेरे पीछे ही है, ठीक पीछे है मेरे। और मुझे भी उससे बचने का बहुत अच्छा तरीका पता है, एक मिनट। आई थिंक एक मिनट पहले इसको उखाड़ो गाइस। चलो जी एक एंट्रेंस तो हमने खोल दिया गाइस एक साइड से। ये अंकल अभी फिलहाल इस साइड है और हम लोग फटाफट अंदर की तरफ चलते हैं इधर से। ओ ये अंकल तो इधर ही है यार, भाग लो भाग लो भाग लो यार। अंकल गए क्या? ये अंकल ना बहुत ज्यादा आवाज सुनते हैं मेरी। अबे यार ये अंकल मेरी कितनी पीछा करेंगे यार। आ जा पकड़ लो हमें, पकड़ सकते तो पकड़ो। ये गेट पे पहले उठा रहे हो, किधर से आ रहे हैं? ओ हम लोग बच गए बच गए बच गए। इसे खोलो। चलो एक और एंट्रेंस हमने खोल दिया है गाइस, बट ये ऊपर वाली साइड का है। और इधर क्या है? ओ मैं समझ गया, ये रास्ता नीचे को जाएगा, बट हमें नीचे जाना नहीं है अभी। अंकल कहाँ है? जो भी हम अपना काम करते हैं वो अंकल कुछ भी करे यार। ये खुला है क्या? यहाँ के लिए भी एक रेंच लगेगी, बट वो रेंच हमें कहाँ मिलेगी कुछ पता नहीं है गाइस। इधर को भी एक रास्ता जाता है, इधर पहले खोलो। ये सब तो बाहर को जाता है यार, बट अबे एक मिनट ये कहाँ जा रहा है देख लेते हैं। एक रेंच मिल जाना तो मैं गराज का और यहाँ जो एक ऊपर की तरफ मिला था ना उसका मैं आई थिंक जो स्क्रू है खोल। ओ ये सिग्नल नेविगेशन टाइप का कुछ लग रहा है मेरे को। एक तरफ का हमें यहाँ ला के लगाना होगा, एक तरफ का ऑलरेडी है। और वो कहाँ मिलेगा? इधर का गेट खोलो पहले, वही रास्ता यार। यार ये अंकल इतना अजीब क्यों है? भागलो भागलो भागलो। यार वो रेंच हमें आई थिंक यही कहीं मिलेगा, बट दिख तो नहीं रहा है हमें कोई रेंच। रेंज तो ग्रास में ही होना चाहिए ना। वो एक मिनट इसमें कुछ है, ये क्या है? ये कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा। और इससे गाड़ी खुली, ये गियर लगा और क्या क्या हो रहा है? वो इधर कुछ है, इसका मैं क्या करूँगा? यार ये क्या है, इसका क्या करूँगा मैं? कहीं तो ये लगेगा, मुझे पता है ये हेड जो है कहीं तो लगेगा यार, देखना पड़ेगा। रुक जाओ घर में चलते हैं, देखते कहाँ पे लगेगा ये। इधर नहीं जा सकते भी कल हम लोग, हमें इधर ही जाना पड़ेगा। वो अंकल किधर है? वो अंकल इधर ही है। हम लोग इस साइड से फटाफट से निकल जाते हैं भाई। भगलो 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 भगलो। अभी फिलहाल ये अंकल हमारे पीछे आएंगे क्योंकि इन्होंने हमारा आवाज़ सुन लिया ना। बट ये लगेगा कहाँ? कहीं तो कोई दीवार दीवार वाल पे लगेगा। अबे इन अंकल ने तो देख लिया यार, भाग लो भाग लो।
फिर कहीं पे लगेगा क्या? वो मैं समझ गया, इसको पहले इधर लगाओ, इधर ही लगेगा ना? हाँ लगेगा तो इधर ही। यार ये अंकल मेरे पीछे क्यों पड़ जाता रहता है यार? अंकल जी आप जाओ ना, वो कोई दिक्कत है क्या हमसे? लो हम छुप गए हम नहीं। अबे भाई साहब ये पागल इंसान भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ है पूरा पूरी। अरे यार छोड़ दो ना हमारा पीछा, यार गोल गोल घूमे जा रहे हैं यार मेरे साथ ये। क्या बचपना है यार। यार भागो यार पहले यहाँ से, पागल इंसान है ये। किधर है किधर है? छुपो एक जगह पहले। चलो आई थिंक अब हम लोग जा पाएंगे ऊपर की तरफ। छुपके से जा रहे गाइस, ये बहुत पीछे पड़ जाता है मेरे पीछे। ये जो हमने लगाया है इसका करना क्या है यार? लगाना तो इधर ही है, जहाँ तक शेप नहीं मैच कर रहा है क्या? कहाँ लगेगा ये? ओ इसे इधर शायद लग सकता है, मे बी इधर है ना? हाँ लग तो रहा है। और क्या क्या है गाइस? यार ये लगना तो इधर ही चाहिए, और हमें एक गोरिल्ला वाला फेस भी ला के लगाना होगा। मैं समझ गया, दो फेसेज है गाइस, जो कि एक गोरिल्ला का है और एक ये वाला है, जो कि हमने एक तो लगा दिया है और दूसरा गोरिल्ला का कहाँ है पता नहीं। इधर को क्या है? इधर को एक पजल है, कोई रास्ता है जो इस तरह से खुलता है। इधर को है बट वो रास्ता। यार एक पजल तो मेरे थोड़ी समझ में आ गई है, बट बहुत से ऐसे रास्ते हैं ना जो कि खुले नहीं हैं, जिसमें चाबी चाहिए होगी, और उससे पहले हमें एक रेंच चाहिए होगी ताकि हम कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिसे खोल सके जो रेंच से खुलेगी, और वो रेंच कहाँ है हमें नहीं पता। जहाँ तक मुझे लगता है वो गराज में होनी चाहिए, बट मैंने गराज को दो बार चेक किया बट वहाँ कुछ ऐसा नहीं मिला है मुझे। इधर को भी एक रास्ता। अबे फिर देख लिया यार ये मनहूस आदमी, यार मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता ये? यार जा रहा हूँ यार, वो अंकल तो घर में घूम रहे अभी फिलहाल। अबे फिर से देख लिया, भाग लो। यार ये ना बहुत देखता है मुझे, मुझे ना चिढ़ हो गई साथ में। सही बताओ किधर है ये? किधर है किधर है किधर है? अबे इधर आ यार। यार वैसे जहाँ पे मैंने एक घर को उठाया था ना, वहाँ पे ऐसे चार ऐसे ग्लासेस है, देखो एक दो इस साइड है, दो या चार थे इधर थे, ठीक है ना? मे बी कुछ उसमें ऐसा हो जो हमने मिस कर दिया हो। तो फटाफट चलते और चेक करते हैं हमारे पास क्या है। हमें तो पहले रेंच उठानी होगी, जो कि उस साइड से उठाते हैं। चलो फटाफट से, अंकल इधर ही है। इन्होंने हमें देखा क्या? यार सबसे पहली बात ना, वहाँ पे ग्लास के टुकड़े रखे किसने, मेरे को समझ नहीं आता यार। इसको पहले इधर से आओ और इसको ऐसे उठाओ। चलो जी ये अंकल इसे आ रहे हैं, और फिलहाल हम लोग जाते हैं फटाफट से उन दोनों ग्लास को फोड़ के देखते उसमें है क्या। फोड़ो भाई। अबे यार ये अलग किसी ने यार, अबे फिर से पकड़ ली इसने यार। यार इस बार थोड़ा सा स्टेबल होकर मुझे खेलना होगा, ठीक है? रुको मैं जानता नहीं होगा। यस नहीं है, इधर आओ पहले इसको उठाओ। ये अंकल हमारे पीछे लगेंगे और हम, अरे ये अंकल तो इधर ही है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, उसमें दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। आराम से चलो यार, आराम से चलो यार।
इधर आ जाना थोड़ा, इधर छुप जा के। तो अंकल खुद ब खुद चेक करते करते ना पागल हो जाएंगे, पड़े रहो बस यहीं पे। यार मैं भी बड़ा अजीब आदमी हूँ यार, मतलब वो ग्लास फूट ही नहीं रहा यार। अब वो मैंने किधर गिराया वो मुझे नहीं दिख रहा है, मेरे को थोड़ा बहुत चक्कर लगा के देखना पड़ेगा वो कहाँ गया है। ऐसे तो रुकने से होने वाला है नहीं। अबे भाई साहब ये अंकल मेरे पीछे है भाई, मेरा पीछा छोड़ दे पागल आदमी, मेरा पीछा छोड़ दे भाई। यार मुझे ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये हो क्यों नहीं रहा यार। यार भगलो यार, ये अंकल बहुत खतरनाक है। भागो 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 यार, जो भी कर रहा हूँ ना इसकी आंखों के सामने कर रहा हूँ यार। सबसे अजीब बात, अबे भाई साहब भैंस की इसकी, अबे यार ये मेरे पीछे है यार, ये कहाँ मार चुपा आदमी है यार। अब शांत हो गया, अब शांत हो गया। यार फिर देख लिया यार इसने, मेरा औजार नीचे ही गिरा हुआ है यार। ये फिर देखेगा मुझे, उसे चाहे भाई इधर निकल जाते हम लोग। अब देख लिया इसने, क्या क्या चीज़ है यार ये। हाँ भाई तू अब आ, तू मेरे को बस मेरा सामान मिल जाए यार। कहाँ गिरा है यार ये, जल्दी मिलता भी तो नहीं है ना, किधर गिरता है। जो भी है यार उठाओ और निकलो यार, हमें फ़र्क नहीं पड़ता यार। इधर को आओ, इस साइड से रंच उठाओ। ये कहाँ गए, मुझे कैंची की जरूरत होगी, मुझे पता है कि वो देख रहे हैं वो जाल है आई थिंक, और उसे काटने के लिए कैंची की जरूरत ही पड़ेगी। और ये मेरे पीछे पड़े और मैं भागता हुआ, आएंगे क्या अंकल आगे। ना भाई ना आने वाले, ये तो ये इधर को आएंगे और हम लोग इधर जाएंगे। इसमें से ये निकालो पहले, ये अंकल इधर को आए, कहाँ है ये। जाओ 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 अंकल, आप उधर जाओ, उधर जाओ, आपको उधर ही जरूरत है। चलो जी एक और घर हमें मिल गया है, और अभी फिलहाल फटाफट चलते हैं और इसको करते हैं पूरा। ये रहा, तो एक चाबी तो हमें मिल गया है, और ये चाबी कहाँ लगेगी, यहाँ पे। यस चलो जी, एक लॉक तो हमने खोल दिया गाइज, और यहाँ पे भी कैंची का ही इस्तेमाल है मुझे पता है। ये भी कटा, ये भी कटा, और ये क्या है, ये किस में इस्तेमाल आने वाला है, इसमें जो भी है। पहले इसे से हटाओ पहले, और आई थिंक अब ये दोनों तरफ से खुल चुका है। ये क्या है भैया, जब ही मतलब बना रखा यार इस अंकल ने तो। ओ ओ भागो 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 भाई साहब, बच गए। यार हम लोग उधर एक्सप्लोर कर ही रहते भाई कि ये अंकल आ गए। इधर है ये अंकल, क्या है अंकल तो नहीं है। और इसे उठाओ, और मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, मुझे इस साइड ऐसे करके लगाना होगा शायद। इसे मैंने अप किया, इससे क्या हो रहा है,
अबे ये बल्ब कहाँ लगेगा? वो यहाँ लगेगा ये, मैं समझ गया। और इसे भी है ऊपर करना है। ये क्या हुआ भाई, इसे नीचे करना है क्या? देखते हैं, और इसे भी नीचे करके देखते हैं। यस, यहाँ पे ये जाल है, इसे पहले काटो। ये खुला ये गेट, और यहाँ पे कुछ हमें मिलेगा शायद, देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओ गाइस, यहाँ पे एक और चाबी है। और ये किधर को खुलती है भाई? आपको याद है ये वाला रास्ता, ये गराज की तरफ जो निकलता है? हम इधर आ गए फाइनली। बट ये चाबी कहाँ की है ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या है, हम इधर से खोल सकते हैं? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए एक रेंच लगेगी। तो फटाफट चलते घर के अंदर और देखते हैं चाबी कहाँ लगने वाली है। ये चाबी कहाँ लगेगी हमें देखना पड़ेगा। इस एरिया में कहीं तो लगेगी। ये ताला खुलेगा क्या? नहीं, इससे नहीं खुल रहा ये ताला। ये वाला, यस। चलो जी, हम लोगों ने एक और लॉक तो अनलॉक कर लिया है। और जहाँ तक मुझे फीलिंग आ रही है ना गाइस, इस वाले सीन में भी हम बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं क्रिएट हो रहा है कि कोई बच्चा जैसे छुपाया गया हो, ठीक है। जो भी है, हम बस घर को एक्सप्लोर मार रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मे बी ऐसा नहीं हो सकता है, बट देखते एंडिंग में क्या हो। भाई भाई, ये अंकल तो यहीं पर गेट बंद करो पहले। अभी देख लें इसने। अबे यार, इस बार कोई उपाय ही नहीं था हमारे पास बचने को यार। कोई बात नहीं, इस बार हम लोग फुल प्रिपरेशन के साथ जाएंगे। अबे इस सबको फोड़ के देखे क्या, इस सबसे कुछ होने वाला है क्या? इसको पहले उठाओ। किधर है ये अंकल? ये अंकल इधर को, हम इधर को। भाई ये मेरा पीछा छोड़ दिया। वेल, हम लोग इस वाले घर में आए थे, यहाँ कुछ तो रखना है। पहले से गेट को लॉक करो, और यहाँ कुछ भारी सा रखना होगा ताकि वो जो है, क्योंकि आप देख सकते हो ये देखो वो पलट रहा है, हमें कुछ भारी ला के रखना होगा। और वो यहीं कहीं होगा इसी वाले घर में। चल करके देखते हैं वो कहाँ मिलने वाला है हमें। इधर को भी तो एक चाबी ही चाहिए होगा अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, यहाँ पे तीन शेप्स लगेंगे, एक भालू के और एक पता नहीं क्या है, जो कि इसी घर में है। ये खुलेगा क्या? नहीं। हमें रेंच कहाँ मिलेगी यार? हमें रेंच मिलेगी कहाँ? क्योंकि ऐसे दो मैंने घर देखे हैं, दो घर मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब दो रूम हैं ऐसे जिसका गेट मैं रेंच से खोल सकता हूँ मैं। और वो मुझे कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता। इधर शायद मैंने कुछ मिस किया हो। ऐसा कुछ तो इधर नहीं नजर आ रहा है मुझे। गाइस, सबसे पहले ना उस वाले रूम में चलते हैं जिसका अभी ताला हमने खोला है, और देखते हैं वहाँ कुछ हो सकता है मे बी। इधर को क्या है? कुछ तो होना चाहिए यार इस रूम में, ताकि आगे एक क्लू मिल सके। अब एक मिनट, ये क्या है? इसे हम फोड़ सकते होंगे शायद। अब यार हमें उसके लिए वो लगेगा। फटाफट से चलो नीचे की तरफ, और चलते हैं वहाँ से उठा के लाते हैं उसे। बट ये अंकल तो यहीं पे है यार। ये बाहर गए, ये बाहर गए। फटाफट से इसे उठाओ। अबे ये यहाँ है ही नहीं यार। ये तो हमारे साथ सीन हो गया यार, यहाँ पे तो ये है ही नहीं। ओ ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया गाइस, मिल गया। रूम को लॉक करो पहले, और इसे ऐसे। भाई इतने जोर से भी नहीं भाई। और क्या है ये, क्या है भाई?
हेल्प मी, बट स्पेलिंग तो गलत है हेल्प का। ओ भाई ये क्या हुआ भाई, अचानक से बारिश इतनी तेज हो गई भाई। अरे भाई साहब, अबे यार ये फिर से एक सपना था यार। ये सपनों की कितनी ज़्यादा यहाँ पे सीन है। तो गाइज आज के एपिसोड में आपने देखा कि हम लोगों ने उस वाले घर पे विजिट किया, वहाँ उस ताले को खोला और थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन किया है, क्योंकि उस घर में बहुत सी चीज़ें हैं जिसे अभी देखना बाकी है, ठीक है ना। तो एक एपिसोड में तो इसे कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी तो आपने जो देखा वो तो देखा ही यार, मैं खुद अचंभित हूँ यार कि ये इतना ज़्यादा नाइटमेयर कैसे आ सकता है इस बंदे को, ठीक है। मतलब इससे पहले वाले पार्ट में भी जो इसने देखा था ना कि उस बच्चे को किडनैप करके लेके गया, फिर उसके बाद इसने घर में बेसमेंट खोला, सब कुछ सीन जो किया था हम लोगों ने, उस सब का सब एक सपना था जो कि इस गेम के हिसाब से हमें देखा। बट अभी भी आपने देखा कि ये सपना, मतलब अभी देखो इसकी टेलीविज़न में ये जो स्क्रीन है, चार गुज टीवी का स्क्रीन है, इसमें ये घर आ रहा है, जो कि मुझे पूरा पूरी पता है कि ये घर कहाँ का है, ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि अब जो नेक्स्ट घर होने वाला है वो यही घर होने वाला है, ठीक है। तो मे बी नेक्स्ट एपिसोड में इस घर के साथ में आऊँ और आप लोगों के साथ मज़े करूँ, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।